हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो वीडियो है आपका आईपीएस आरआरबी पीओ आईपीएस क्लर्क आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन आईटी 2017 एग्जाम के ऊपर है जो भी आरआरबी में होने वाला है। आपको पता होगा वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो गया है इसका, तो वैकेंसी जो इन्होंने बताया है वो 14,000 वैकेंसी है। ठीक है, ये 14,000 डिस्क्लोज वैकेंसी है, बताया हुआ वैकेंसी। कुछ वैकेंसी जैसी भी जो अभी डिस्क्लोज हुई है बाद में डिस्क्लोज करेंगे, बट 14 वैकेंसी ये मालूम है, इतना वैकेंसी भी है तो काफी बड़ा वैकेंसी है। अब होता ये है कि हम सभी लोग तैयारी करते हैं। मैंने आपको एक बार और भी बताया होगा आपको पहले, जो हमारा एक एवरेज टाइम लगता है सिलेक्शन के लिए बैंक में, चाहे आप पीओ बने चाहे क्लर्क बने, इसका जो सिलेक्शन टाइम लग जाता है वो लगता है लगभग लगभग 3 साल 3 ईयर्स। आप जो तैयारी करते हैं उस पर भी मांगे भी कैसे क्या होता है, तो एक नॉर्मल टाइम जो लग रहा है किसी के साथ वो 3 साल लगता है, यानी एवरेज ही है। यानी कोई लड़का 1 साल में निकाल रहा है, कोई 2 साल में निकाल रहा है, कोई 3 साल में निकाल रहा है, कोई 4 साल में निकाल रहा है, कोई 5 साल में भी निकाल रहा है। ठीक है, तो मैंने एक एवरेज बता दिया आपको इतना। अब इसको तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग कुछ सेल्फ से तैयारी करते हैं, कुछ कोचिंग जाएंगे, कुछ ट्यूशन में जाते हैं और अपना हिसाब से तैयारी करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्या प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम यहां आती है, जैसे अगर 100 मार्क्स है का पेपर है, ठीक है, ये मान लीजिए, ये रख लीजिए 50, ये हो गया आपका कट ऑफ। हम पीओ का केस का बात कर रहे हैं, ओके, 50 नंबर कट ऑफ रख लीजिए और ये हो गया आपका इधर में 100 नंबर और इधर हो गया 0 नंबर। आपको अगर पता हो तो एक मतलब जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, कैंडिडेट्स जो फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, वो लगभग लगभग 90 लाख फॉर्म फिल करते हैं। 90 लाख कैंडिडेट इस देश में, 90 लाख लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, उस 90 लाख में अगर आप 1 ईयर में वैकेंसी पकड़ेंगे, जो 1 ईयर वैकेंसी आता है, लगभग लगभग 1 लाख वैकेंसी क्रिएट होता है। ठीक है, जिसमें कि पीओ और क्लर्क दोनों आ गया। ठीक है, तो इस 1 लाख में तो 89 लाख लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब इनको जॉब नहीं मिला है, इनको जॉब ही नहीं मिला। ठीक है, अब इस 1 लाख का मैंने बताया जिनका सिलेक्शन हो रहा है, इनको एवरेज टाइम लगता है 3 साल 3 ईयर्स। ठीक है, और ये जो ऐसे लड़के हैं, इन्होंने सब कुछ किया, नहीं हुआ तो लास्ट में मान लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल 6 7 साल का नहीं हुआ तो छोड़ दिया, लीव कर दिया। कुछ लोग इसमें से कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, कुछ लोग इसमें से चले गए कोचिंग सेंटर को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये चीज कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको इतना टाइम लग रहा है। अब हम आते हैं कैसे क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 0 मार्क्स है, ठीक है, उसके बाद आता है 20 मार्क्स, उसके बाद आता है 30 मार्क्स, उसके बाद आता है 40 मार्क्स और इधर आ जाइए 60 मार्क्स हो गया और ये हो गया 70 मार्क्स। ठीक है, ज्यादातर लोगों का जो नंबर है इसी नंबर में रह जाते हैं, 30 नंबर के भीतर भीतर लोग सिमट के रह जाते हैं। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं 30 नंबर के भीतर भीतर लाके खत्म हो जाते हैं, जो थोड़ा सा अच्छे होंगे वो 30 से 40 नंबर में लाके अटक रहे हैं और जो और थोड़े अच्छे होंगे वो कभी कट ऑफ क्लियर भी होता है कभी नहीं भी होता, 40 से 50 मार्क अटक रहे हैं। ठीक है, बट कोई गारंटी नहीं हो रहा कि हमारा सिलेक्शन होगा। कभी हम प्रीलिम्स में निकलते हैं, मान लीजिए प्रीलिम्स में हम अटके, है ना, कभी प्रीलिम्स निकला तो कभी फेल हो गए, मेंस निकला तो कभी हम निकल गए कभी फेल हो गए, कभी फिर इंटरव्यू आया वापस आए, वही कहानी है कि निकले और फेल हो गए। इस प्रोसीजर में होते होते आपका जो टाइम मैंने बताया था वो 3 साल कंज्यूम हो जाता है एवरेज टाइम। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आपका यही टाइम जो 3 साल है ये घट के 3 महीना से 6 महीना हो जाएगा। ठीक है, यही चीज घट के 3 महीना से 6 महीना हो जाएगा। ठीक है,
अब होता है क्या, हम लोग क्या गलती करते हैं, हमें अपना गलती सीखना है। जो इंसान अपनी गलती से सीखेगा वो महान कहलाएगा, ठीक है। चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हमें अपनी गलती से सीखना चाहिए और उस गलती को इंप्रूव करना चाहिए, सुधारना चाहिए, ठीक है। पहला गलती, ठीक है, ये एक चीज हम आपको समझाया भी आपको। अब होता यह है, मैंने आपको जब आप कहीं कोचिंग में करिएगा या ट्यूशन सेंटर जाइएगा या मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा चीज है आज के डेट में, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी चीज है। मैंने आपको बताया था एक कट ऑफ है 50 नंबर, ठीक है। वीडियो से देखने से मान लीजिए कि आपका नंबर 35 से 30-40 के बीच में आ जाता है, इतना नंबर आपको कोचिंग करके सेल्फ से या वीडियोस देख के काम हो सकता है, 30-40 नंबर आप ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आ जाएगा। पर ये इतना नंबर लाने से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो कट ऑफ जो है आपका 50 नंबर पे है ना, कट ऑफ जो है 50 नंबर पे है। ये 10 नंबर का जो मार्जिन है ना, इसी को करते करते आपका ही सच बोले तो 3 साल खराब हो जाएगा, इसमें एवरेज नहीं आता है। कोचिंग वाले आपको क्या बोलेंगे या ट्यूशन वाले क्या बोलेंगे या वीडियोज में भी क्या बोलेंगे, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट दीजिए नंबर बढ़ेगा। आपने भी मॉक टेस्ट दे ही रहे होंगे, खुद दिए होंगे मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट से कभी नंबर बढ़ा है? मॉक टेस्ट से क्या हो सकता है, कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है। मॉक टेस्ट से कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर ध्यान देंगे, अगर आपने 10 मॉक टेस्ट दिया है, 10 हटाइए और बड़ा करते हैं, 50 मॉक टेस्ट दिया है, तो आप यही पाइएगा कि 35 से 40 के बीच में नंबर राउंड 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 चल रहा है, सही बोल रहा हूं ना, 35 से 40 के बीच में नंबर घूम रहा है, उससे ऊपर नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है, यानी हो ये रहा है कि हम अगर मान लीजिए कोचिंग में जाएं, वीडियोस देखें या ट्यूशन में भी हम चले जाएं, हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। ये जो कट ऑफ है ना, ये क्लियर नहीं हो रहा। अब कट ऑफ क्लियर होगा तभी तो हमारा कुछ बात बनेगा। अब कट ऑफ क्लियर ही नहीं होना चाहिए, कट ऑफ से कम आपको ज्यादा नंबर आना चाहिए, 10-15 नंबर ज्यादा, ताकि जब इंटरव्यू में जाए तो इंटरव्यू आपके लिए फॉर्मेलिटी हो, ठीक है, नाम मात्र का हो। तो ये चीज यहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब होता यह है, मैं आपको चीज समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जितने लोग कोचिंग में टीचर हैं या फिर YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप किसी का भी प्रोफाइल खोल सकते हो, Facebook पे चले जाओ, एक है वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो इंफॉर्मेशन, सभी का इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट डाला रहता है। क्वालिफिकेशन, हमें यहां किसी का क्वालिफिकेशन चेक करना चाहिए तब हमें पढ़ना चाहिए किसी के यहां पर। अब प्रॉब्लम यह होता है, अगर आप ध्यान देंगे, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 50 नंबर कट ऑफ है, जो टीचर है आपका या जो फैकल्टी है ना, तो वो क्या हुआ, उन्होंने एग्जाम 18 से 20 बार दिया, ठीक है, सोचो आप 18 से 20 बार दिया, मान लीजिए 40 नंबर, ये 40 नंबर हम रखते हैं, 40 नंबर तो क्लियर आते थे वो, बट यहां पर लाने से क्या हो जाएंगे, आप फेल, पास तो यहां है ना, ये नंबर उनका नहीं आया। यानी नंबर कैसे बढ़ाते हैं, डेट इज हाउ टू इंक्रीज मार्क्स, ये पता ही नहीं है। अगर ये आपको पता नहीं है, आपका सिलेक्शन होने में 3 साल से भी ज्यादा लग जाएगा। यही चीज मैं सिखाऊंगा आपको, कैसे कट ऑफ क्लियर करना है। अगर ये चीज पता चल गया तो आपका कोई भी एग्जाम आ जाएगा दुनिया में, जो बैंकिंग का आप देना चाहते हैं, हंसते खेलते देंगे निकल जाएंगे, चाहे वहां 1 सीट हो चाहे वहां 1000 सीट हो, आपको सिलेक्शन 1 सीट पे चाहिए ना, ठीक है। ये चीज मेरा बोलने का मतलब था कि अगर टीचर आपको वीडियो दे सकता है, क्लास करा देगा, ठीक है, वीडियो देना क्लास कराना एक स्टेज वन है, सिर्फ एक पार्ट हुआ, बट यहां तक आप 40 नंबर ले आओगे, बट ये जो 10 नंबर लाने में ना आपको ना नहीं आता जाएगा,
क्यों? 10 नंबर आएगा ही नहीं, कितना भी मॉक टेस्ट दे लो, कितना भी कुछ कर लो, नहीं आ रहा। यही चीज का तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे नंबर आएगा, क्या कमी है क्या नहीं कमी है। ठीक है, अब हम आगे चल के इसमें बात करते हैं। ठीक है, अब आइए सिलेक्शन के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स है फॉर सिलेक्शन। नंबर 1 इज गाइडेंस, बहुत बड़ा फैक्टर है गाइडेंस, 45% वेटेज है। सिर्फ गाइडेंस का ही 45% वेटेज है। गाइडेंस का मतलब यह है गेट स्टडीड बाय डेट पर्सन हु हिमसेल्फ हैज क्रैक्ड बैंक पीओ एग्जाम। मतलब आप उस इंसान से पढ़ने की कोशिश करो जिसने खुद बैंक पीओ के एग्जाम निकाला है। अगर आप उस इंसान से पढ़ोगे तो एटलीस्ट क्या होगा कि सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, आपकी सिलेक्शन चांसेस इंक्रीज हो जाता है ना, सिलेक्शन चांसेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक, इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये समझना है, देखिए आप समझिए, ये आपको मैंने बताया था कि ये 50 नंबर है, ये कट ऑफ है। आप जहां भी जाके पढ़ रहे हो, जिस चीज से पढ़ रहे हो, वो तो यहीं तक गया, खाली आपको स्टडी कराएगा, यानी उसने खुद कंपटीशन का तैयारी किया। जो भी आपका फैकल्टी है, ठीक है, उसने क्या किया, तैयारी किया खुद, बट वो कट ऑफ कभी क्लियर नहीं कर पाया। वो यहां तक गया, यू टर्न मार के आ गया, यहां तक गया फिर यहां से वापस आ गया। ऐसा 18 से 20 बार अगर उसने एग्जाम दिया और वो अगर हर बार फेल किया है, आपको क्या कराएगा, फेल ही तो कराएगा, सीधा प्रोजी का आपको फेल कराएगा। जो इंसान खुद सिलेक्शन नहीं ले सकता 18-20 बार में, आपका क्या सिलेक्शन करा देगा, वो भी फेल ही करा देगा, कुछ नहीं कराएगा। ठीक है, अब आपको यही चीज में समझा, अगर कोई इंसान ऐसा है जो कट ऑफ यहां गया, कट ऑफ क्लियर किया, उससे ज्यादा नंबर लाया एंड गेट, और ये है सिलेक्शन, और वो सिलेक्शन हुआ उसका, हम क्यों ना इस इंसान से पढ़े, हम भी अपना सिलेक्शन ले, दिमाग लगाने की बात है। गलती किए हैं, गलती को सुधारिए और आगे बढ़िए। दुनिया का दस्तूर है, अगर गलती नहीं सुधारिएगा बेवकूफ कहलाइएगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। गलती को ही तो सुधारना है, तभी तो पान कहलाएंगे। ठीक है, दुनिया में हर किसी से गलती होता है, यह चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट। और क्योंकि देखिए यहां पे क्या है, ये चीज जो है सिलेक्शन, सिलेक्शन लिए नहीं आज तक, ये सबसे बड़ा चीज है। और एक पॉइंट भी आप याद रखिएगा, नॉट, हम हमेशा अच्छे लोगों की तारीफ क्यों करते हैं, या आपको याद होगा जब हम लोग छोटे रहते थे तो हम लोग की मम्मी या पापा ये बोलते थे कि देखो वो एक्स वाई जेड जो भी इंसान है उसकी तरह बनने का कोशिश करो या उसकी तरह पढ़ो, वो लड़का जो है ज्यादा नंबर लाता है, चाहे वो लड़की ज्यादा नंबर लाती, तुम भी लाओ। क्यों एग्जाम्पल सेट होता था, एग्जाम्पल इसलिए सेट होता था क्योंकि वो लोग वाकई पढ़ने में अच्छे थे, तभी तो इतने नंबर ला रहे हैं। वो 90% लाना है, 95% लाना है, आसान बात नहीं है, हर किसी से नहीं आ सकता, 60-65% हर को ले आता है। तो यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि हम लोग को देख के सीखना चाहिए, अपनी गलती को एडमिट करना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए। नोट ये है, ऑलवेज फॉलो दी फुटप्रिंट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, in order to become successful. ठीक है, आपको हमेशा सक्सेसफुल आदमी के नक्शे कदम पे चलना चाहिए ताकि आप भी सक्सेसफुल बन सके। एक चीज हमेशा देखिएगा, सक्सेसफुल की तारीफ इसलिए हम लोग करते हो, सक्सेस है, सक्सेस उसको मिला है, और फेलियर की बात हम इसलिए नहीं करते, फेलियर करता आपको फेली करवा देगा। ठीक है, यही चीज आपको समझना है। और एक दूसरा बड़ी बात क्या है, अब होता यह है कि हम लोग मान लीजिए कोचिंग जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, एक काम है हमारा कोचिंग या ट्यूशन, या फिर मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हो, सवाल वापस एक ही चीज आता है, फैकल्टी, टीचर,
ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपटीशन दिया तो सही, और इनमें से 99.9% ऐसे हैं जिन्होंने बैंक पीओ और क्लर्क दोनों कंपटीशन दिया, बट दोनों के दोनों फेल हो गए, फेल। और कम से कम एक बार नहीं 18 से 20 टाइम्स फेल हुए। जो इंसान 18 से 20 बार फेल होगा, आपको क्या करें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको भी फेल ही कर देगा। क्यों? इनको खाली एक ही चीज पता है, कोर्स कराना। क्यों? ये सिर्फ कोर्स करा सकते हैं, आपको कोर्स करा देंगे, कहानी खत्म। सिलेक्शन कराना सबसे बड़ा चीज होता है, कट ऑफ क्लियर करना, सिलेक्शन में कट ऑफ क्लियर करना है ना, ये आपको नहीं करा पाएंगे। ये आपको कोर्स करा सकते हैं हम मान लिए, बट कट ऑफ क्लियर कराना एक अलग चीज होता है, तरकीब होता है, एक स्कीम होता है, एक प्लान होता है, वो प्लान कि कैसे हम करेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा। और ये जब इन्होंने खुद ये नहीं कर सके तो आपको क्या करा देंगे, जिस इंसान को खुद सिलेक्शन नहीं हो दूसरे का सिलेक्शन कराएंगे, ये लॉजिक आपको लगाना है। तो गाइडेंस का सबसे बड़ा चीज यही होता है, ठीक है। सिलेक्शन कराना, सिलेक्शन का तभी कराएगा ना जब आपका ये कट ऑफ क्लियर होगा, जब कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा सिलेक्शन कहां से होगा। ओके, तो कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। अब आइए, वाई मी, मैं ही क्यों आपको पढ़ाऊं, या मैं मुझे क्यों चुन रहे हैं आप, ठीक है। जैसे आज आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन का, मैं भी कॉम्पिटिशन का तैयारी किया हूं बैंकिंग का। मैंने खुद 2010 में 11 बार बैंक पीओ का एग्जाम लिखा 3 महीने के पीरियड में। 3 महीने में मेरा 11 के 11 जगह सिलेक्शन हो गया बैंक पीओ एग्जाम में, और फाइनली स्टेट बैंक में चला गया जॉब करने 2010 में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर या पीओ बोल लीजिए आप, ठीक है। और अगर आप मेरा ये जानना चाहेंगे सिलेक्शन कैसे हुआ आपका इतना कम समय में, ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग एक ही एमबीए कॉलेज में पढ़ते थे। मैं 2010 बैच में ज्वाइन किया, मेरा दोस्त 2009 बैच में ज्वाइन किया। 2009 में भी पीओ में प्रीलिम्स और मेंस होता था जैसे आज हो रहा है, 2010 में सिंगल फेज हुआ था। और हुआ यह कि मैं उसका प्राइवेट जॉब करता था, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि 1 साल प्राइवेट जॉब किया मैंने। उसके प्राइवेट जॉब में तो आप जानते हैं जॉब गारंटी नहीं होती है, कंपनी ने लाख मार के निकाल दिया। ये आप समझिए कंपनी ही बंद होगी तो ऑफकोर्स हम लोग बाहर निकल गए। तो यहाँ पे तो भाई आप जानते हैं प्राइवेट में किसी को लाख मार के निकाल सकते हैं, या कंपनी बंद हो जाएगी तो आपको जाना ही पड़ेगा। ये दोस्त जो था मेरा वो 2009 में ही SBI में चला गया एज ए पीओ। मैंने उसको पूछा, मेरा उस दोस्त का नाम है मनीष, मनीष से पूछा मैंने कि भाई कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया। उसने मुझे एक ही चीज बोला, आओ मेरे यहां पढ़ो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमको गाइड करूंगा। क्योंकि वो मेरा रूममेट था, उसने चलो सब कुछ किया। मेरा खर्चा राइट फ्रॉम मेरा टिकट, जो समझे जो आप ट्रेन का टिकट होता है, ट्रेन का टिकट से रहने का खाना पीना कपड़ा सब कुछ खर्चा उसने दिया। 3 महीने में उसने इवन मेरा फॉर्म भरने तक का भी पैसा उसने खुद लगाया। 3 महीने में उसने मेरा 11 जगह सिलेक्शन करवाया, और फाइनली स्टेट बैंक में एज ए पीओ भी बोल के ज्वाइन कर गया 2010 में। उसका मैं जूनियर बना। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और सिलेक्शन का क्या फैक्टर था वहां पे, गाइडेंस। मैं वो सिर्फ गाइड कर रहा था, वो मुझे पढ़ा नहीं रहा था, बता रहा था ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, जब टाइम मिलता पढ़ाता भी था, बट गाइड उसका सबसे बड़ा चीज था। ये कर लो, वो कर लो, ये छोड़ो, वो पढ़ो, एग्जाम ऐसे बैठना, ऐसे करना, ये सवाल बनाना, वो सवाल मत बनाना, एग्जाम में ये सब तो मैटर रखता है, कैसे आप सवाल को जल्दी जल्दी बनाते हो, कैसे कट ऑफ क्लियर होता है, उसका मार्गदर्शन के कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। नहीं तो आज शायद मुझे भी 3-4 साल मुझे भी लगता सिलेक्शन होने में, ठीक है। अब मेरा रोल ये है कि अगर मैं 3 महीने में ले सकता हूं तो आप भी तो 3 महीने में ले सकते हैं। मैं भी तो आपको सेम चीज कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, बता रहा हूं, वो सारी गलतियों से आपको बचा रहा हूं जो आप गलती करेंगे, चाहे जो भी करेंगे, कर लिया है या करें, आप जो भी फ्रेशर है तो गलती नहीं हुआ होगा। और जो इनका समय बर्बाद हो चुका है 1-2 साल जो भी आप लगा चुके हैं, तो समय तो वापस नहीं ला सकते, बट अपनी गलती सुधरिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब आइए मैं ही क्यों। तो सबसे पहला चीज है सिलेक्टेड इन बैंक पीओ एग्जाम फॉर 11 times एंड फाइनली ज्वाइंड इन
स्टेट बैंक SPO ठीक है, या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो गया भाई कि अगर मेरे को टीचर ऐसा मिले जो खुद निकाला है तो बहुत हेल्प हो जाएगा। दूसरा पॉइंट पाइए, दूसरा पॉइंट ये है कि ये तो हो गया सिलेक्शन की बात, दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम जो मुझे लगा है वो 3 मंथ लगा है, तो मैं आपको रास्ता 3 महीने का ही बताऊंगा ताकि आपका भी सिलेक्शन 3 महीने के पीरियड में हो जाए। तीसरी बात ये है, अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे कि आप क्या पढ़े हो, एकेडमिक्स क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैंने बैचलर इन इंजीनियरिंग इन आईटी एंड एमबीए इन मार्केटिंग किया हुआ है ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब होता है प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं इसका साबित कैसे करेंगे। बोलने के लिए तो कोई बोल देगा, हो सकता है कोई भी बोल दे कि मैं XYZ जगह का कलेक्टर हूं या DM हूं ठीक है, बट प्रूफ करना पड़ता है। तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो मेरा स्टेट बैंक का आईडी कार्ड दिखेगा, आइडेंटिटी कार्ड, उसमें हर एक एम्प्लॉय का PF नंबर मेंशन होता है, PF नंबर से पता कर सकते हैं सब कुछ, एवरी प्रोग्राम कहानी निकल के आ जाएगा। उसके बाद मेरा वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर है स्टेट बैंक का, और उसके बाद है सैलरी स्लिप। ये सारी चीज आपको तभी मिलेंगे जब आप कहीं बैंक में नौकरी कर रहे होंगे ठीक है, ये प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी है। ये सारा चीज मैंने जो ऊपर का वेबसाइट है buybankpocourse.in पे जाएंगे, फ्रंट पेज भी डिस्प्ले हो रहा है ऑथेंटिसिटी, जिसमें मेरा स्टेट बैंक का आइडेंटिटी कार्ड, स्टेट बैंक का सैलरी स्लिप, स्टेट बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर, सब कुछ आपको दिखेगा ठीक है। तो ये चीज ये हो गया, सबसे बड़ा चीज क्या ना, जो इंसान अगर 11 बार निकाला गलती से नहीं निकाल सकता, कुछ तो होगा हुनर, कुछ तो टैलेंट होगा तभी तो निकालेगा, और बैंक में जॉब करना तो स्टेट बैंक से बढ़िया कौन सा जॉब है, उसका साबित करने के लिए प्रूफ है। और क्या चाहिए आपको, कोचिंग में वही लोग पढ़ा रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, समझ रहे ना बात, किसी भी इंसान का अगर जॉब हो जाएगा तो कोचिंग नहीं पढ़ाएगा, वो अपना नौकरी करेगा ना। बैंक में क्या था 1990 से लेकर 1990 से 2005 या 2006 या 2007 तक जाएंगे तो 50 सीट से 100 सीट ही बैंक में वैकेंसी आती थी, अभी सडनली मास रिटायरमेंट होने लगा बैंक में तो इतनी ज्यादा वैकेंसी क्रिएट होगी ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे कोचिंग्स खोल दी, आपको ये समझना है मुझे कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, पैसे तो हर जगह लगेंगे आपको, बट सही जगह जाओ, क्वालिटी जगह जाओ जहां से रिजल्ट आने की संभावना रहे, ये सब चीज इसलिए मैं बता रहा हूं। अब जो दूसरा चीज होता है वो होता है कि आपका स्मार्ट वर्क, मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा, यानी कैसे तैयारी कराऊंगा, मैं आपको 3 स्टेज में तैयारी कराऊंगा, 3 स्टेज प्रिपरेशन है, कैसे प्रिपरेशन होगा 3 स्टेज वो भी मैं सिखाता हूं। सबसे पहला होता है स्टेज 1 वीडियो लेक्चर कोर्स ठीक है, यानी ये प्रीलिम्स और मेंस को दोनों कवर करेगा। स्टेज 2 पे आइए, स्टेज 2 क्या बोलता है आपको, पहला स्टेज ने बोला वीडियो लेक्चर कोर्स है वो आपने कर ही लिया, स्टेज 2 है, और इसको जो स्टेज 2 है आपका, इसको करने में आपको नॉर्मली, अगर आप देखिए इस पर हम बात कर लेते, इसको करने में नॉर्मली 30 दिन मैं आपको बहुत सारा कोर्स का शेड्यूल दूंगा, एक हमारा है 60 दिन का, एक हमारा है 30 दिन का, एक हमारा है 20 दिन का, एक हमारा है 15 दिन का, और एक हमारा है 10 दिन का ठीक है। अगर टॉपिक्स जानना चाहते हैं एक दिन में कितना टॉपिक होगा, 1, 2, 3, 4, 5 आवर्स कितना लगेगा, या 1 into 3 एक टॉपिक को खत्म करने में 3 घंटा 3 आवर्स, 2 into 3 6 आवर्स, और 3 into 3 9 आवर्स, 4 into 3 12 आवर्स, और 5 into 3 15 आवर्स ठीक है।
ये जो प्रोग्राम होता है सबसे ज्यादा फिट होता है जॉब वालों के लिए, और ये जो प्रोग्राम होता है उनके लिए फिट है जिनके लिए फुल टाइम स्टडी करते हैं, और ये प्रोग्राम उनके लिए फिट होता है जिनके पास लेस टाइम है। ठीक है, ये तो हम स्टेज वन की बात कर रहे हैं, हम स्टेज टू पे चलेंगे। तो वीडियो लेक्चर कोर्स हो गया, आप जितना जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा। स्टेज टू पे अगर आप जाएंगे तो यहां पे अगर आप आते हैं तो यहां होता है कट ऑफ क्लियरेंस जोन। कट ऑफ कैसे क्लियर होगा है ना, या हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स, हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स। तो कट ऑफ कैसे क्लियर होगा, इसी में तो लोग मर जाते हैं, इसी में लोग परेशान हो जाते हैं, और यही चीज करते करते उनका तीन साल, साढ़े तीन साल, दो साल, ढाई साल, तीन साल बर्बाद हो जाता है, इसी स्टेज पे आकर रुक जाता है। सारे लड़के या लड़कियां जो भी कोचिंग पढ़ रही हैं, यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप कोचिंग कर लो चाहे वीडियो देख लो, चाहे आप ट्यूशन पढ़ लो, बुक ले लो, जो मर्जी कर लो भाई, इसको करते करते टाइम लगता है। रीजन क्या है, कोई फैकल्टी, कोई टीचर ये किया ही नहीं है। अरे क्लियरिंग करेगा तब तो होगा, ठीक है, वो क्या किया, सिंपली कोर्स किया, तो कोर्स आपको भी करा देगा, बट कट ऑफ तो यहां है, ये कैसे होगा डोंट नो, ये चीज मैं जानता हूं, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे क्लियर होता है, ये मैं सिखाऊंगा, मेरा काम है सिखाना आपको, ठीक है। और जानते हैं आपको कितना टाइम लगेगा इसको, 20 दिन, सिर्फ 20 दिन में मैं आपको कट ऑफ क्लियर करवा दूंगा, कट ऑफ मार्क्स से ऊपर नंबर आने लगेगा, ठीक है। अब जब कट ऑफ मार्क्स ऊपर नंबर आने लगेगा तो आपको मेंटेन करना है, मेंटेन कैसे होगा, वो होगा मॉक टेस्ट देने से। तो मैं आपके अकाउंट पे 100 मॉक टेस्ट डालूंगा, कितना 100, 100, अगर आप कहीं मार्केट में जाएंगे और 100 मॉक टेस्ट खरीदेंगे, मैं आपको पक्का बोल रहा हूं कम से कम आपसे 1400 रुपए ले लेगा, 1400 या 1500 रुपए चार्ज कर देगा, कम से कम बता रहा हूं 1500 रुपए चार्ज करेगा। मैं तो ऐसे भी देखता हूं 10 मॉक टेस्ट का दाम रहता है 200 रुपए या 300 रुपए रहता ही रहता है, तो ये तो 100 मॉक टेस्ट 100, तो 1500 रुपए आपको चार्ज हो जाएंगे खाली मॉक टेस्ट के, कोई फायदा नहीं होगा उस मॉक टेस्ट का। जो लोग ये समझते हैं या कोचिंग शूट में जाएंगे टीचर क्या बोलेगा, मॉक टेस्ट दीजिए, कितनी बार मॉक टेस्ट देगा। मेरे पास एक लड़का आया था, आपको मैं ये भी बता देता हूं, एक लड़का आया था मेरे पास, उसका फ्रेंड मेरी बैंक में, लेडीज स्टेट बैंक में जॉब करते हैं, और हम लोग साथ में पीओ बनके ज्वाइन हुए थे। उसका भाई था, लास्ट 4 साल से तैयारी कर रहा, 4 ईयर से, वो बोला था 500 मॉक टेस्ट दे दिया मैंने। मेरा जो नंबर आता है 42 से 45 के बीच में आता है एवरी टाइम, जो 500 मॉक टेस्ट का उसने मुझे पेपर निकाल के दिखाया, तो वाकई का मुझे उसने, मैंने उसके 50 से 50 मॉक टेस्ट पेपर में गया, तो मैंने एक ही चीज पाया, 42 से 45 नंबर आता है। यानी इससे एक बात तो समझ में आया कि मॉक टेस्ट देने से, ये मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपका कंसिस्टेंसी रहता है, कंसिस्टेंसी, जितना नंबर ला रहे हैं ना, नंबर कमेगा नहीं ना बढ़ेगा, उतना का उतना ही रहेगा। जो मॉक टेस्ट देंगे जितना नंबर ला रहे हो ना, उतना का उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है ना घटता है, ना घटता है ना बढ़ता है, यानी इसी रेंज बैठ के रहोगे, ठीक है, मॉक टेस्ट देने से। बट हम इसमें कंसिस्टेंसी तब ना करें जब हमारा कट ऑफ क्लियर होता, कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता, लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, देने लगेंगे, दुनिया भर का मॉक टेस्ट देंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट से नंबर नहीं बढ़ सकता, मॉक टेस्ट से आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट का क्या सबसे बड़ा चीज होता है, परफॉर्मेंस चेक हो जाएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, बट मार्क्स को बढ़ाना इससे नहीं होगा, मॉक टेस्ट से नहीं होगा, ठीक है, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। ये आप लोग जान रहे हो, आप लोग खुद देते हैं मॉक टेस्ट, बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको ही लोग देते हैं मॉक टेस्ट, आपको आइडिया है मॉक टेस्ट से क्या होता है, ठीक है। आप यही देखिएगा कि आपका नंबर राउंड 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 घूमेगा, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है,
चाहे प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, चाहे वो इंटरव्यू की बात हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कंसिस्टेंसी के लिए आपके अकाउंट में 100 मॉक टेस्ट डाल दिया है। तो ये हो गया स्टेज टू का काम। अब आइए स्टेज थ्री पे। बेसिकली आपका इसी स्टेज से सिलेक्शन चालू हो जाता है, सिलेक्शन स्टार्ट, इसी स्टेज से सिलेक्शन चालू हो जाएगा आपका स्टेज टू से। बट हम और श्योरिटी करने के स्टेज थ्री पे भी जाते हैं। स्टेज थ्री, अब इसमें क्या होगा, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम होता है। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम, ये तो बिल्कुल करिएगा। इसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट। हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे 5 मिनट बनाने के लिए, फिर आपको 5 क्वेश्चन देंगे 4 मिनट बनाने के लिए, फिर आपको देंगे 5 क्वेश्चन 3 मिनट बनाने के लिए। जब 5 मिनट में आप देखोगे, आप नॉर्मली 4 से 5 सवाल बना लोगे, 4 मिनट में 3 सवाल बना लोगे, 3 मिनट में 1 या 2 सवाल ही बना पाओगे। हम आपको ये सिखाएंगे कैसे कम समय टाइम पे सवाल बनाते हैं। और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होता है ना, नॉर्मली आपको 60 मिनट का रहता है। अगर आप आरबीआई देंगे तो आरआरबी दे रहे हैं तो 45 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 80 क्वेश्चन होता है। हम आपको यहां पे टाइमर 40 मिनट का कर देते हैं और यहां पे हम 30 मिनट का टाइमर कर देंगे। हम आपको ये सिखाएंगे 40 मिनट में 100 सवाल कैसे बनाते हैं और 30 मिनट में 80 सवाल कैसे बनाते हैं। 40 मिनट में 100 सवाल, 30 मिनट में 80 सवाल, आया बात समझ में। अगर हम आपको ये चीज सिखा देंगे सिलेक्शन हो जाएगा ना। क्यों, बहुत लोग का क्या होता है, मॉक टेस्ट देते तो नंबर बहुत बढ़िया लाते हैं और जब रियल एग्जाम आ जाता है तो वहां टाटा फीस हो जाता है, वहां कुछ नहीं कर पाते, बोलते हैं हाथ कांपने लगा, दिमाग नहीं काम कर रहा था, टाइम का काउंटर चल रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है सडनली। अगर मैं आपको 40 मिनट में कट ऑफ क्लियर कराना सिखा दूं 30 मिनट में, यानी 40 मिनट और 30 मिनट में आपको कट ऑफ क्लियर होना सीख गया, जब आपको रियल एग्जाम आएगा तो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है या फिर यहां पर आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस एक्स्ट्रा टाइम में आप ज्यादा नंबर लाओगे ना, एक्स्ट्रा टाइम यानी एक्स्ट्रा मार्क्स लाओगे, पक्का है। स्टेज थ्री क्या करेगा आपका, आपको कमिटमेंट करा देगा या आपको मोर इनहेंस कर देगा चांसेस ऑफ सिलेक्शन। स्टेज टू भी सिलेक्शन हो रहा था और एनहांस होते रहते यहां पे, यानी सिलेक्शन होने लगेगा, ठीक है। स्टेज थ्री चरण में आगे आपका एनहांस कर देगा चांस सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है। ये तीन स्टेज से हम आपको तैयारी कराते हैं। और फोर्थ थिंग क्या है, सबसे माई बाप सबसे बड़ा चीज है गाइडेंस, ये तो मैं आपको दे ही रहा हूं। अर्सी का मैंने बताया 45% वेटेज है, आया बात समझ में, एवरीथिंग क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए तीसरा स्टेप पे। पैकेज, पैकेज मतलब स्टडी मटेरियल। मैं आपको जो कोर्स चालू करूंगा बेसिक टू एडवांस होगा। बेसिक का मतलब है जीरो टू एडवांस, ठीक है। बेसिक कोर्स का नाम है यहां पर रेगुलर और इसका नाम है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। ठीक है, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं कॉम्बो पैक, ठीक है। अब आ जाइए, जिससे आपका क्या होगा, बैंक पीओ का प्रीलिम्स प्लस बैंक क्लर्क का प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। बैंक पीओ का प्रीलिम्स, बैंक क्लर्क का प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकल गया। एक और कोर्स होता है हमारा मेंस डेडिकेटेड कोर्स, ये सिर्फ मेंस के लिए, ओनली फॉर मेंस, ओनली फॉर
बैंक पीओ मेंस। आया बात समझ में? ओनली फॉर बैंक पीओ मेंस का ये कोर्स है, तो ये आपको सारा चीज मिलेगा। अब आ जाइए टॉपिक्स पे, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको। टॉपिक्स सारे टॉपिक्स से, एवरी टॉपिक्स। सेक्शन की बात करेंगे तो रीजनिंग, क्वांट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद क्वांट्स रीजनिंग, क्वांट्स डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस बेसिकली दो पार्ट है, एक है बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आपका कंप्यूटर, मार्केटिंग, डिस्क्रिप्टिव पेपर, इतना सारा चीज आपका हर एक टॉपिक कवर होगा, हर एक टॉपिक इतने सारी चीजों का कवर होगा। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश जो होता था सब मैंने जो बोर्ड पर लिखा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। अब आइए कि जो आपका एक सवाल होगा जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है, पहला होता है वैलिडिटी को लेके। हमारा है वैलिडिटी को बोलने का मतलब ये नहीं है, मतलब होता है बहुत जगह 3 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा, उसका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, फिर पैसे भरिए और फिर से आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, ये काम हमारा नहीं है। हम इस पर बिना विश्वास करते हैं लाइफ लॉन्ग। ठीक है, लाइफ लॉन्ग हमारा आपके साथ रिश्ता है। ठीक है, यानी वैलिडिटी जो हो गया लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप कोर्स कर सकते हैं। दूसरा सवाल होगा कि फीस अगेन चार्ज होगा, तो ये वन टाइम, ये सिर्फ वन टाइम चार्ज होता है, बार बार नहीं देना। ठीक है, तीसरा सवाल ये होता है कि आफ्टर बैंकिंग एग्जाम डू यू हेल्प इन प्रिपेयरिंग JAIIB, CAIIB और बैंक प्रमोशन कोर्सेस। होता ही है कि जब आपका जॉब हो जाएगा, बैंक के अंदर जब जॉब करने चले जाते हैं तो आपको JIB, CIB और बैंक प्रमोशन करने के लिए आपको कोर्सेस करना पड़ता है। ठीक है, JIB और CIB से इंक्रीमेंट बढ़ता है, बैंक में सैलरी बढ़ जाएगी आपकी। JIB CIB से जब बैंक में प्रमोशन लेना पड़ेगा तो बैंक का प्रमोशन का कोर्स करना पड़ेगा। तो यस, ये सारा मैं कराता हूं। अगर आप चाहोगे तो इसकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, www.JAIIBCAIIBstudymaterial.com पे। ठीक है, नॉर्मली हमने एक सवाल बता दिया और एक सवाल और रहता है कि पेन ड्राइव अगर आप मंगाए हैं तो कितने दिन में डिलीवरी है, तो 10 डेज लगता है इसको मिलने। अगर आपका सवाल है ऑनलाइन का, ऑनलाइन कोर्स को एक्टिवेट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स।
ठीक है, सारा सवाल आपका क्लियर कर दिया मैंने, ये सब कुछ सवाल है जो आपकी मंडी में होगा। अब इसके बाद आइए, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन पैकेज कोर्स। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये है आपका फुल बैंक पीओ कोर्स प्लस गाइडेंस, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसका प्राइस है ₹3000, ठीक है, बट ये ऑनलाइन मोड पे है। अगर आप ये चीज लेंगे तो पेन ड्राइव मोड पे ₹4000 पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पैकेज है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर, मतलब सबसे ज्यादा और मोस्ट पॉपुलर है ये। दूसरा जो पैकेज है हमारा वो है 100% बैंक पीओ क्लर्क जॉब गारंटी प्रोग्राम। ये लिमिटेड सीट होता है, लिमिटेड सीट होता है, केवल 10 लोगों का। ठीक है, तो इसमें मिलना पॉसिबल बहुत कम होता है, सीट जो है अगर आपको मिल जाए मतलब पॉसिबिलिटी कम है सीट मिलने का, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे एक कोर्स करना 100% गारंटी। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि 1 ईयर आपने सेल्फ या फिर कोचिंग किया हो, कोचिंग के थ्रू पढ़ा हो चाहे सेल्फ तैयारी किया हो, और ये फुल टाइम बेसिस प्रिपेयर होता है, फुल टाइम बेसिस तैयारी करना है इसको, जॉब के साथ इसके साथ उसके साथ नहीं होता। जो टाइम लगेगा वो 3 मंथ टू 6 मंथ का टाइम लगता है, इतने टाइम में इसमें सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें एक खास बात क्या है, डेली कॉलिंग होता है, और चौथी बात क्या है, फिंगर स्टेप प्रिपरेशन है, आपको एकदम हाथ पकड़ पकड़ के तैयारी कराया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें 100% जॉब गारंटी है, सीट कम है, तो हम इसमें क्वालिटी अपना बरकरार रखते हैं। ठीक है, बट एनीवेज ये सीट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, इसमें एडमिशन होना टफ है, एडमिशन होना ही बहुत टफ है इसमें, क्योंकि सीट रहेगा तब तो मिलेगा। ठीक है, और इसका फीस जो रहेगा आपका ₹15000 फीस है। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर जो है मोस्ट पॉपुलर कोर्स यही है, फुल बैंक पीओ कोर्स प्लस गाइडेंस का करिए 3000 वाला, सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा इफेक्टिव। इसमें भी सिलेक्शन 3 महीने से 6 महीने में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, तो ज्यादा पैसा काय को देंगे। ठीक है, हाँ, इस जरूर 100% है, यानी एक लड़के एक काम, 10 में 10 का सिलेक्शन होगा, 10 out of 10, तो भाई तो उसके लिए अलग पैसा लगेगा ही, खर्चा ज्यादा होगा ही, रिजल्ट ज्यादा आएगा, ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट एनीवेज ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम सिर्फ 3000 के कोर्स के लिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन से मतलब है, क्या फर्क पड़ता है ₹1 का कोर्स हो चाहे 1 लाख का हो, सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है, कोई भी कोर्स करा दो भाई, सिलेक्शन होना चाहिए, दोनों चीज में सेम थिंग है, 3000 करो चाहे 15000 करो। हाल इसमें यह है कि आपको संडे टू संडे फोन करना होता है, इसमें यह होता है कि मैं खुद ही आपको फोन करूंगा डेली के डेली। ठीक है, तो यहां ये चीज, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको कॉलिंग करना है, जो लोग 3000 वाला पैकेज कर रहे हैं, 3000 दैट इज फुल बैंक पीओ कोर्स प्लस गाइडेंस, फुल बैंक पीओ कोर्स प्लस गाइडेंस, जिसका मैंने अभी आपको बताया प्राइस
3000 से लेके 4000 रुपए वाला जो है, ठीक है, इसमें आपको न्यूज़पेपर एक लगा लीजिएगा, द हिंदू। मैं आपको कुछ वर्ड दूंगा, वो 18 से 35 वर्ड पर डे आपको याद करना है, वो मैं आपको दूंगा, मैं आपको खुद ही दूंगा, क्योंकि इंग्लिश में लोगों का नंबर कमजोर आता है, यही तरीका है जिससे आपका नंबर बढ़ेगा। तीसरी बात क्या है, आपको संडे बेसिस कॉल करना है, मैंडेटरी है, कॉल करिए, मैंडेटरी है, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको ईमेल करना होगा, डायरेक्टली कॉल करेंगे इफ एनी डाउट। सोचना वोचना नहीं है, सिंपली फोन घुमा देना है, गाइड कॉल करिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप कॉल कर सकते हैं हमें 4x9685127 पे, दूसरा नंबर है 7827546946 पे। हमारा वेबसाइट पे आप चले जाएं तो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, www.bybankpocourse.in पे, या फिर आप हमारा ईमेल पे चले जाइए, ईमेल हमारा जो है sidsinha123@gmail.com। थैंक यू।